अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, एक ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करने जा रहे हैं। हमारे सामने एक ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है, एक गुड न्यूज है, तीन तजवीज सामने आ चुकी है। आज होने वाले एनसीओसी मीटिंग की तीन तजवीज हमारे सामने आ चुकी है और उन तीन तजवीज में से किसी एक तजवीज पर अमल करके फाइनल किया जाएगा, जिसको बाद में वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को बताएंगे। तीन तजवीज सामने आ चुकी है, तीनों तजवीज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। कोरोना की चौथी लहर में शिद्दत की वजह से स्कूलों की बंदिश का फैसला कर लिया गया है। कोरोना की चौथी लहर इस वक्त पीक पे जा रही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से तीन तजवीज सामने आ चुकी हैं। स्कूलों को 14 अगस्त तक बंद रखने की एक तजवीज सामने आ चुकी है। पाकिस्तान भर में तमाम तालीमी इदारे 14 अगस्त तक बंद रखा जाए, ये एक तजवीज़ सामने आ चुकी है। दूसरी तजवीज़ जो हमारे सामने आ चुकी है वो ये है कि नया तालीमी साल 1 अगस्त की बजाय 1 सितंबर से शुरू करने की एक तजवीज़ है। जबकि एक और तजवीज़ सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुरादराज साहब पेश करेंगे। उनका मौक़िफ़ है कि तमाम स्कूलों को 1 महीने के लिए मज़ीद बंद रखा जाए और नया तालीमी साल 1 सितंबर से शुरू कर दिया जाए। आज एनसीओसी की मीटिंग से लम्हा बलम्हा आपको अपडेट रखूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको हर न्यूज़ टाइम पे मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।